नमो बुद्धाय। एक सुंदर बात अभी आपको हम बता देंगे। दो कारण हैं इसमें। बहुत सारे लोग जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोग के सामने जाने में शर्म लगता है, भय होता है, या तो फिर कोई सभा के बीच में नाचने में, गाने में, बोलने में शर्म भय लगता है। सारे बहुत सारे लोग के सामने में प्रवचन देने में, स्पीच देने में डर भय लगता है, शर्म लगता है। ये डर भय शर्म से पाप मिलता है, ये अकुशल है। लेकिन और एक चीज़ है डर भय, पाप से डरना, पाप से शर्माना, ये कुशल है। ये दो चीज़ है, अलग नहीं होना चाहिए, मतलब मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग करके देखना चाहिए। एक डर भय है, एक शर्म भय है, सबके सामने बात करने में, सबके सामने जाने में, गाने में, बातचीत करने में, ये शर्म भय अकुशल हैं, पाप मिलता है वैसा शर्म भय होने से। और एक शर्म भय है पाप करने में शर्म लगता है, पाप करने में डर लगता है, वो उससे पुण्य मिलता है, वो अकुशल, ये कुशल। ये दोनों आप लोग मिलाइए मत, अलग अलग करके समझना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कुशल नाम से अकुशल आ जाता है। हम लोगों को ये लज्जा एवं भय उपकार होता है गौरवनीय जीवन के लिए, गौरवपूर्वक सफलता से भरे हुए सार्थक जीवन के लिए महोपकारी होता है ये लज्जा एवं भय। लज्जा ही देना, लज्जा एवं भय। जो बड़े हो या बूढ़े हो, जो बच्चे हैं या छोटे हो, वो सारे लोग के लिए बहुत उपकार होता है ये लज्जा भय। जहाँ लज्जा भय नहीं है वहाँ बड़े लोग का छोटे लोग का भेदभाव नहीं है, जहाँ लज्जा भय नहीं है वहाँ गुरु और शिष्य का भेदभाव नहीं है, जहाँ लज्जा भय नहीं है वहाँ माँ, पिताजी, भाई बहन, ऐसा मानवता, भाईचारा सब नष्ट हो जाता है। गृहस्थ प्रवर्जित लोगों का कनेक्शन, संबंध था, ख़त्म हो जाता है लज्जा भय नहीं है तो। ऐसा है तो ये पूरे समाज में सार धर्म है, उत्तम धर्म है लज्जा भय, कोई भी समाज के लिए ज़रूरत है। सार धर्म पता है, सार धर्म मतलब उत्तम संस्कार, उसको सार धर्म कहता है। ये सार धर्म रहना चाहेंगे तो समाज में ये सार धर्म रहता है लज्जा और भय पर। ये उत्तम संस्कार किस पर रहता है? लज्जा और भय पर। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया ये समाज को कंट्रोल करने वाले उज्जला धर्म दो है, ये लज्जा भय, उज्जला धर्म, पवित्र धर्म दो है लज्जा भय। तथा ये समाज को अंधेरा करने वाले काला धर्म भी हैं, वो है लज्जा नहीं होना तथा भय नहीं होना। हम आपको पहले बताया लज्जा भय मतलब क्या है। लोग भय होता है भूत प्रेतों से, लोग डरता है अंधेरे में जाने में, बज्र गिरने में डर लगता है, तूफान आने में तूफान से डरता है, शर्म आता है लांटे रहने में, या तो फिर शर्म आता है सभा के सामने जाने में, या तो फिर शर्म आता है ऐसा ऐसा चीज़ों में। लांटे रहना तो वो तो संस्कार है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, वो अलग बात। लेकिन कोई समाज के सामने रहने में
ये लज्जा भय अकुशल है, लेकिन हम भगवान बुद्ध बताते हैं और एक लज्जा भय, वो समाज के लिए ज़रूरत है। वो लज्जा भय उजला धर्मता है। वो लज्जा भय पाप से भय भी नहीं है तो पाप से लज्जा भी नहीं है, तो वो काला धर्म है, वो भी समाज में है। पूरा समाज अंधेरा करता है। ये काला धर्म जिस समाज में रहता है वो समाज के लोग मुर्गा मुर्गी जैसा रह जाते हैं, बकरा बकरी जैसा रहता है, कुत्तों जैसा रहते हैं, जानवर जैसा रहता है। किसी को समझ में नहीं है तो ये मेरी पापा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा मैडम है, ये प्रिंसिपल है, ऐसा कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं है। तो हम लोग आशा करना चाहिए हमारे पास ये दोनों काला धर्म कभी उत्पन्न ना हो। ये काला दोनों धर्म से समाज का सारे सार धर्म यानि कि उत्तम संस्कार सब कुछ तोड़ देता है। कोई भी समाज चमक रहा है अगर सार धर्म उस समाज में है तो, यानि कि उत्तम संस्कार जिस समाज में है वो समाज बहुत चमक रहा है। अगर वो समाज उसी प्रकार चमकना चाहेंगे तो उस समाज में चाहिए उजला धर्म दोनों क्या है, लज्जा तथा भय। आप लोग का दिल में अगर लज्जा भय थोड़ा सा भी उत्पन्न हो गया तो उसी लज्जा भय को नष्ट होने मत दीजिए। दिन प्रतिदिन उसी लज्जा भय को सुरक्षा करके और बढ़ा दीजिए, क्योंकि लज्जा भय ये कुशल उत्पन्न होना बहुत मुश्किल चीज़ है। उत्पन्न हो गया तो नष्ट हो जाता है। ये लज्जा भय के कारण समाज को बहुत सुख मिलता है, इसलिए ये लज्जा भय का कुशल अगर नहीं है तो समाज को दुख मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा है तो हम लोग क्या करना चाहिए, लज्जा भय दोनों कारण अपना जीवन में अपना कर उसको और विपुलता यानि कि और बढ़ाना चाहिए, परिपूर्ण करना चाहिए। थोड़ा सा भी लज्जा भय को अपने से हटने नहीं देना चाहिए। जब तक आपके पास ये लज्जा भय ये उजला दोनों कारण है तो जब तक है तब तक आप उन्नति की ओर जाएंगे। ये उन्नति किसी को रोक नहीं सकता है। कुशल का बल वही है, कुशल का ताकत वही है, क्यों और किसी को आकर के रोक नहीं सकता है। हम लोग के पास कुशल है तो कोई भी आकर के हम लोग को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुशल हम लोग से हट गया तो तुरंत कोई भी आकर के हम लोग को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण रूप से हमारा सुरक्षा तथा समाज का सुरक्षा तथा उत्तम संस्कारों का सुरक्षा आगे बढ़ा देता है ये लज्जा एवं भय दोनों कारण से। ये दोनों कारण अपनाना चाहिए। जिस किसी के पास लज्जा भय कम है तो उसे लज्जा भय और बढ़ाना चाहिए। जीवन से भी ज़्यादा लज्जा एवं भय को प्यार करना चाहिए। ऐसे हो गया तो दिन प्रतिदिन ये लज्जा भय दोनों उत्तम कारण आगे बढ़ते जाएगा। तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं पुण्यवान भिक्षु, घर पे एक दुल्हनी आती है अपना घर में। दुल्हनी जब नया नया आती है तब सास ससुराल को और भाई बहन को तथा घर पर रहने वाले नौकर नौकरानी को भी सारे लोगों के प्रति लज्जा एवं भय से रहती है। कौन? दुल्हनी।
ऊंचा स्वर से बात नहीं करती, दौड़ती नहीं, चिल्लाती नहीं, डांटती नहीं, प्यार से बात करती है, शर्माती है, ये नया दुल्हनी। लेकिन कुछ समय जाने के बाद ये दुल्हनी लगाव हो जाता है सारे लोगों के साथ। ये लगाव के कारण इनका लज्जा भय ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ समय जाने के बाद अपना सास ससुराल को कहती हैं, हाँ आप लोग क्या जानते हो, हट जाइए, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, हट जाओ यहाँ से, ऐसा बोलती है कुछ समय जाने के बाद दुल्हनी। क्यों? लगाव हो गया परिवार के साथ। वैसे ही कारण बुद्ध शासन में भी होने के बारे में तथागत भगवान ने बताया। बुद्ध शासन में आ जाते हैं नया नया भंते लोग, आ करके नया नया लड़का लोग आ करके चीवर पहनते हैं। नया नया चीवर पहनने के बाद अपना गुरु को, अपने से बड़े भंते लोगों को, आचार्य यानि कि अपने को शिक्षा देने वाले भंते लोगों को, बड़े लोगों को, तथा आश्रम में रहने वाले छोटा भंते लोगों को भी, तथा आश्रम में रहने जो कुछ हैं सारे लोगों के प्रति लज्जा एवं भय से नया भंते लोग रहते हैं। अपना गुरु सारे लोगों के प्रति, अपने से छोटा सामने बनते लोगों के प्रति भी लज्जा भय से ही रहते हैं। तो कुछ समय जाने के बाद दोस्ती बन जाते हैं बनते लोगों से, गुरु लोगों से, आचार्य गुरु लोगों से दोस्ती बन जाते हैं। उसी दोस्ती के कारण लज्जा भय ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अपन आचार्य गुरु लोगों को कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं, आप क्या जानते हैं, आप हट जाइए, हम ये काम करेंगे, आपको ये समझ में नहीं आता है, हम करेंगे तो समझ लेगा। इसी प्रकार गुरु का मुंह में मुंह लगाता है। इसके बाद गुरु से ज़्यादा जानकारी दिखाने के लिए कोशिश करता है, समझता है गुरु जी थोड़ा सा कम जानते हैं, उतना अनुभव कहाँ है उनके पास। उसी प्रकार बाद में आ जाता है दुल्हनी जैसा लगाव के कारण। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, कभी भी ऐसे होने मत दीजिए पुण्यवान भिक्षु, आप नई दुल्हनी जैसा हमेशा हमेशा रह जाइए, लज्जा भय सहित रहने के लिए कोशिश कीजिए। एक हिरन है, वो हिरन का पूंछ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, उसमें हवा होता है ऐसे करके, खून पंजाबी लोग ऐसे पके, उसका नाम क्या है ऐसे करके, हाँ पंजाबी जो बीच में गुरु है दोनों साइड से ऐसे करते रहता है, पुराना राजा लोग को भी ऐसे इस्तेमाल किए थे। वो एक हिरन का पूंछ है, उसी हिरण को श्रीलंका भाषा में सेमर हिरण कहता है, वो सेमर पूंछ है उसका। ये हिरण अपना जान से भी ज़्यादा ये पूंछ को प्यार करता है। जंगल में जाते समय कभी कभी कांटा में फंस जाता है ये पूंछ, फंसने के बाद भूख लग गया तब भी, अगर शेर खाने के लिए आएगा तब भी जाएगा नहीं, चुटने तक रह जाता है पूंछ, छोड़ने के लिए कोशिश करता है, जब तक चुटेगा तब तक रहता है, जाएगा नहीं, इसको बहुत प्यार है, थोड़ा सा भी टूट गया तो दुख है बहुत। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, ये लज्जा भय नाम का कुशल है, ये कुशल को सुरक्षा करना चाहिए, इस कुशल को प्यार करना चाहिए जान से भी ज़्यादा।
जीवन से भी ज्यादा उसको पसंद करने के लिए बताया। जिस जीवन में लज्जा एवं भय नहीं है तो वो जीवन का कोई मतलब नहीं है। जिसके पास लज्जा भय नहीं है तो वो लोग खपट माया से भर जाते हैं, दुनिया के सामने चमकाते हुए दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। ये सारे कपट माया ये सब कुछ उत्पन्न कर देता है, लज्जा नहीं होना तथा भय नहीं होना। इसलिए दोनों काला धर्म अपना जीवन में कभी अपनाना नहीं चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध की महाकारुणिक उपदेश को कभी मत भूल जाइए। आप लोगों के पास जितना लज्जा भय उत्पन्न करके रहे, जितना लज्जा भय आपके पास है तो वो लज्जा भय और बढ़ा दीजिए। अपने जीवन से भी ज़्यादा लज्जा भय नाम का महाकुशल को सुरक्षा कीजिए। हमेशा नया जैसा रहने के लिए कोशिश कीजिए, पुराना मत हो जाए कभी भी। आश्रम में आने के बाद भी, चीवर पहनने के बाद भी, कभी पुराना मत हो जाइए। नए में रहता है ना, नया में आप लोग कैसे चीवर पहनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आप लोग ध्यान करते हैं, उसी प्रकार पुराना होने के बाद भी करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने बताया। इसलिए आप लोग ये उत्तम दोनों कारण अपने जीवन उतार के खुशी से तथा शांति से जीने के लिए कोशिश कीजिए।